तुम ठीक तो हो ना? तो तुम ठीक हो ना? इसे कंप्लीट कर सकते हैं, चलें? चलो चलो। तुम ठीक तो हो ना विराट? जी भाभी। पता नहीं आपसे कभी ये बात आपके दिल ने या किसी ने कही है या नहीं, या शायद मुझे भी ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी कह रही हूं। पूरी दुनिया में अगर कोई आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता ना विराट, तो वो सिर्फ और सिर्फ हीर है। हाँ भाभी, जरूरत पड़ी ना तो उसके लिए मैं जान भी दे सकता। नहीं दे सकते आप, और ना ही आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जान पर पहला हक आपके बीवी बच्चों का होगा, आपकी दोस्त का नहीं। आप थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। गुड नाइट। ये गई स्लीपिंग पिल। लो विराट, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। थैंक यू। यू आर वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। आउटपुट फंक्शन D4 इज 1 फॉर द टर्म्स 10। मुझे माफ कर दो ही, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ ही। वो नहीं आएगा।
ये दूध पी ले। कौन नहीं आएगा प्रीतो? मैं तो अपनी पढ़ाई का रिवीजन कर रही थी। क्या बोल रही है तू? थैंक यू। मत कर उसका इंतजार, ऐसे तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। जानती हूँ विराट तुम्हारी शादी परसों, लेकिन तब तक तुम्हारा इंतजार करूं, इतना हक तो है ना मेरा। देखना चाहती हूँ विराट तुम आते हो या नहीं। ये भी जानती हूँ कि शादी के बाद तो तुम पूरी तरह झड़ना के हो जाओगे, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में इस तरह यूं दोबारा वापस आना ये सिर्फ दोस्ती के लिए है या बात कुछ और है। हीर, तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, पर ये इतनी नींद क्यों आ रही है? आंखें क्यों बंद हो रही है? आ रहा हूँ मैं हीर, आ रहा हूँ। आ रहा आज की रात तो बिना हीर से मिले निकल गई तुम्हारी। अब सुबह तक आराम से सोना। गुड नाइट माय लव। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा। पूरी रात इंतजार करती रही विराट तुम्हारा, लेकिन तुम नहीं आए।
ये आएगा जरूर, ठीक है? सिर्फ ऐड कर लेना। वीर जी ये पहले ही मैंने किया था, नहीं आया था। मैं बताऊं आपको? हाँ ये वाले क्वेश्चन। पर तुझे ये आया क्यों नहीं? अरे वीर जी क्या हो? मैं पूरा घर ढूंढ लिया आपको। पता है एक नई वेब सीरीज आई, कमाल की वेब सीरीज आई है। उसमें ना एक लड़की है और उसको मालूम पड़ता है कि वो किन्नर है। और मैं भी वो फिल्म देखी थी। हाँ बच्चे मैं देखी है फिल्म, बड़ी बकवास पिक्चर की है और उदा अंत भी बहुत खराब ही होना है। क्यों भाई, तू भाई है कि कसाई है? हैं? हमारी बुद्धि साहिबा पढ़ना चाहती है तो पढ़न दे उन्हें, तू खलजंगन पा रहे हैं पीछे। चल जा अपना काम कर। अरे दादू पढ़ाई में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अब वो मरेगी या जिएगी वो तो आगे मालूम पड़ेगा ना। अभी सीजन वन खत्म हुआ है, उसमें तो उसको मालूम पड़ गया कि वो किन्नर है। अब वो आगे देखते हैं ना सीजन टू में, वो जिएगी या मरेगी। मरेगी क्यों, जिएगी, बिल्कुल जिएगी। किन्नर है तो क्या, उसे जीने का हक नहीं है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिएगी, अलग गोल्स बनाकर जिएगी, पर जिएगी जरूर। क्यों ये, तुझे क्या लगता है? मैं कह रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड वीर जी, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि वो ना उसको बहुत लेट कर दिया बताने में। उसको आई फील कि जितना जल्दी पता है ना उतना दर्द कम होगा, उतना पेन कम होगा। क्यों सिंधु, आपको क्या लगता है? अब ऑब्वियसली वो जिएगी ना, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे नहीं नहीं आपको मालूम नहीं, उसको अभी पता चला, इतना लेट पता चला कि वो किन्नर है। मुझे तो लगता है वो जहर खा के मर जाएगी। उसका जो परिवार है ना उसे उसे सेफ रखेगा, कुछ नहीं होने देगा उसे। और फिर देखना वो दुनिया को दिखाएगी कि एक किन्नर होना श्राप नहीं होता। किन्नरों को जीने का इक्वल हक होता है, बिल्कुल बराबर। देखो नहीं वीर जी, मेरा इसमें डिफरेंट है बहुत ओपिनियन। मतलब मैं सोच रही हूँ अगर उस लड़की की जगह मैं होती ना उस वेब सीरीज में और मुझे पता चलता कि मैं किन्नर हूँ तो मैं तो जहर खा के तुरंत मर जाती। ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और उसके परिवार का क्या, जिन लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया होगा, इतना लाड़ दिया होगा, उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोची? इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती? नहीं नहीं वो नहीं मरेगी, वो जिएगी, जरूर जिएगी। तू भी देखना। आप इतनी सेंटी क्यों हो रही है? अरे वो जिएगी मरेगी वो तो आगे आएगा ना, सीजन टू में पता चलेगा, हम साथ में बैठ के देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। शायद सीजन टू बने ही ना। सीजन टू तो आएगा वीर जी, शूट हो गया है, बस रिलीज होना बाकी।
कहनी थी तुझसे। तू तो मेरा सयाना बच्चा रहा है हमेशा। तू तो इस घर का चिराग है। एक बात तू सच सच बता, क्या तुझे अपनी दादी से भी प्यार नहीं रहा? मैंने तुझे अपना खून माना है, इस घर का, इस खानदान का वारिस माना है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मुझे नाज है तुझ पर। और मैं जानती हूँ तू हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं जानती हूँ तू हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। दादी, I'm sorry. Sorry. ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये इतना तड़प रही है, सब मेरी वजह से। लेकिन ऐसे मेरे माँ बाप भी तड़पे थे ना। ये जो आपकी आंखों में आंसू हैं, आपने उनकी आंखों में भी दिए थे ना। जब आप लोगों ने अपने असली रंग दिखाए थे, आप चाहती हैं कि हीर भी वो असली रंग देखे? नहीं ना, नहीं चाहती ना, मैं भी नहीं चाहता। तो भेज दीजिए उसको अपने असली जगह पर, अपने किन्नरों के पास। वही तो, बिल्कुल सही कहा सोम ने। चलिए चलिए, लेकर जाते हैं हीर को किन्नरों के पास। आप तैयार हैं ना जीजी? चलिए। क्या है ना जी जी, हम हीर को उसकी सच्चाई बिना आपकी मर्जी के भी बता दे। लेकिन वही तो दिक्कत ये है कि इसमें बदनामी तो हमारी भी होगी ना, इसीलिए नहीं बता रहे, है ना सोहन? तो जाइए प्रीतो दादी, जाइए बैठिए, सोचिए कि आप हीर को उसके असली जगह पर कैसे भेजेंगे। फिर आके मुझे बताइए। ये सब रोना धोना करके रहना मुझे समझ में नहीं आता। जाइए जाइए जाइए। नमो नमः दुर्गे दुखहरणी, नमो नमः अम्बे सुखदायी, जय मात भवानी की जय। ये हमारी घर की होने वाली नई बहू है झरना, और झरना ये गुरुजी हैं। अमृतसर से स्पेशली हमारी फैमिली के लिए आते हैं। और हमारे घर में जितनी भी शादियां हुई हैं, वो गुरुजी ने ही कराई हैं। जाओ आशीर्वाद ले लो। सदा सुहागन रहो। वर और कन्या, इस कलश को एक साथ उठाइए और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। विवाह के बंधन में खुशियों का बड़ा महत्व होता है। अब आप दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में देखते हुए, आने वाली खुशियों को देखते हुए, इस जल को परात में गिराइए।
मेरी होने वाली पत्नी झरना है। मुझे झरना का चेहरा नजर आना चाहिए, हीर का नहीं। वो सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त। क्या यही मेरी उम्मीद है? अच्छा हुआ कल रात तुम नहीं आए विराट, मेरी छोटी सी उम्मीद भी खत्म कर दी तुमने। अब ये हीर तुम्हारा कभी इंतजार नहीं करेगी। अब आप दोनों अपने इष्ट देव से सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। फाइनली मेरी शादी विराट से हो रही है। थैंक यू गॉड, आई एम सो हैप्पी। हीर को दिल से निकाल दिया, फिर इस शादी से खुश क्यों? अजीब सी बेचैनी क्यों? आंखें बंद करने पर हीर क्यों दिखती? इष्ट देव पूजा समाप्त हुआ। अब आप दोनों अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। क्या आप दोनों के मन में कोई सवाल है? नहीं गुरुजी। माता रानी आप दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप दोनों सदा खुश रहें। अब मुझे चलना होगा, मुझे माताजी के बड़े मंदिर में जाना है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आप सबका कल्याण, जय हो। गुरुजी ने ये क्यों पूछा कि मेरे मन में कोई सवाल है? हाँ, एक सवाल है। विराट। मां आ रहा हूं। कहां जा रहे हो तुम? कहां चले गए? आज मैं अपने सवालों का जवाब लेने आपके घर आया हूँ। सुना है आपके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मुझे भी मेरा जवाब दे दीजिए। बेटा, बाबा, सवाल तो मुझे उसी समय तुम्हारे चेहरे पर दिख गया था। मुझे पता था कि तुम सबके सामने अपना सवाल नहीं पूछना चाहते। इतना विचलित क्यों हो बेटा? क्या बात है? बाबा, बहुत बड़ी उलझन है। क्या हर शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच में खुशियां रहती हैं? जब तक पति पत्नी के बीच में प्रेम रहेगा, उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। अच्छा, और बाबा अगर किसी से प्यार है
लेकिन उस रिश्ते में फायदे से ज्यादा नुकसान हो तो क्या फिर भी खुशियां रहेंगी? फायदा और नुकसान तो व्यापार में देखते हैं बेटा, यह प्रेम है। यदि प्रेम सच्चा हो और साथ निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विश्वास मानिए कि संसार का सबसे बड़ा तूफान भी उस प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकता। किसी भी प्रकार का दुख उन प्रेमियों को छू तक नहीं सकता। और कोई सवाल बेटा? बाबा, अगर दिल के फैसले से किसी को तकलीफ हो तो भी दिल की ही सुननी चाहिए, क्योंकि दिल के फैसले से शुरुआत में तकलीफ हो सकती है परंतु बाद में जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। इसलिए दिल के फैसले को ही मानना चाहिए। यही सही वक्त है, मुझे सही फैसला लेना ही होगा अपने दिल से। मेरा साथ देना माता रानी। प्रणाम बाबा जी। कल्याण।